लोकसभा चुनाव में संभल जाए सिंधिया, जीतू पटवारी बढ़ाने वाले हैं मुश्किलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव के लिए जीतू पटवारी ने कमर कस ली है। बीजेपी को मध्य प्रदेश में कमजोर और कांग्रेस को मजबूत कैसे करना है, इसकी पूरी तैयारी चल रही है, जिससे लोकसभा चुनाव में सीएम मोहन यादव की टेंशन बढ़ जाएगी। अब एक तरफ जहां मोहन यादव टेंशन में है, तो वही मध्य प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा और कांग्रेस का राजनीतिक दुश्मन ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें भी जीतू पटवारी बढ़ाने वाले। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल लोकसभा चुनाव नजदीक है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसीलिए जीतू पटवारी पूरे एक्टिव है। बीजेपी के बड़े चेहरों को टेंशन देने में लगे हैं और अब बारी है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जिसके लिए बड़ा प्लान बनाया गया है। जीतू पटवारी अब महाराज की बढ़ाएंगे मुश्किलें। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बातें चल रही थी, लेकिन बीजेपी ने कुछ दिया नहीं। लेकिन अब खबर है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतार सकती है, ऐसी खबर है, क्योंकि उनका गढ़ है। कांग्रेस की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़कर यहां से जीत भी हासिल की थी। लेकिन अगर बीजेपी सिंधिया को लेकर सपना देख रही है, तो उसे सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि जीतू पटवारी ने अलग ही प्लान बना रखा है। 9 जनवरी से जीतू पटवारी समेत कई नेता 12 जनवरी तक ग्वालियर चंबल के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही जीतू पटवारी अपने दौरे की शुरुआत दतिया से करेंगे और उसके बाद भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुर, गुना और अशोकनगर जिले के दौरे पर रहकर सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेंगे। इसके साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति पर स्थानीय स्तर पर वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। तो इससे आप ऐसे समझिए कि सिंधिया की पकड़ जहां मजबूत है यानी गुना, और जहां सिंधिया का वर्चस्व है यानी ग्वालियर चंबल, हर जगह जीतू पटवारी बैठक करेंगे और दौरा करेंगे, जिससे कांग्रेस के मजबूत होने के आसार हैं। और इससे बेशक ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि उनके गढ़ में दौरा करके कांग्रेस कुछ बड़ा प्लान तो कर रही है। ग्वालियर चंबल पर किसको कितनी सीट, अभी विधानसभा चुनाव की बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल की 34 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 19 मिली थी, तो वही कांग्रेस 15 सीटों पर जीत पाई थी। वही लोकसभा चुनाव की चारों सीटों पर भाजपा का कब्जा है और यही कांग्रेस के लिए चुनौती है कि इन सीटों पर कब्जा कैसे करना है। बात जीतू पटवारी की करें तो वो फुल एक्शन मोड में है कि कैसे जनता से कनेक्ट करना है, बीजेपी पर निशाना साधना है। जैसे बीजेपी के अंदरूनी कला पर भी वो लगातार निशाना साध रहे हैं और अभी शिवराज बीजेपी की कला पर भी वो चर्चा कर रहे हैं। उनका धाकड़ बयान अंत में आपको सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या सच में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें जीतू पटवारी बढ़ा रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। कि जो चुनाव हुए, चेहरा बताया गया किसी और का और शादी कर दी किसी और से। शिवराज जी लाडली बहना को लेकर पूरे प्रदेश में चिल्लाते रहे, आप मेरी बहन हो, मैं अभी मेरे पास पैसे कम है, 1100 रुपए 1000 रुपए दूंगा लाडली बहना, मैं मेरे जीवन में कुछ कर जाऊं, अगर मेरी बहन भांजी के लिए कुछ कर दूं। लगभग 1000 करोड़ रुपए के बड़े बड़े पांडाल लगाकर बहनों को इकट्ठा सरकारी कर करके ये बातें कहते रहे और घर में उनके दिलों में घर घर कर दी ये बात कि शिवराज भैया 3000 रुपए चुनाव बाद देगा। चुनाव हुए, बहन ने वैसे ही शिवराज जी को खूब लाड़ प्यार से वोट ठपा ठप दे दिए। कुछ कसर थी तो कट्टरता, नफरत, घृणा, वो बातें जो झूठ है उनकी बातें नए नए बच्चों को फैलाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। नेचुरल था, स्वाभाविक था कि इतनी बड़ी लीड हुई है तो जो मुख्यमंत्री वो रिपीट होगा। तो जैसा अभी शहीद भाई बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। देश में चुनाव लड़ने वाली पद्धति पे शंका होने लगी है। ईवीएम को लेकर अब एक बहुत बड़ा वर्ग विरोध में आ गया है, सवाल उठाता है, भरोसा नहीं करता है। तब नरेंद्र मोदी जी ने वहां से एक फरमान भेज दिया, जो विधायक चुन के आए उनको लोकतांत्रिक अधिकार नहीं दिया, चिट्ठी में लिख के दे दिया और शिवराज जी को सौंप दिया।